ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक मेन टॉपिक है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आपको पता होना चाहिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर, तीन टाइप की होती हैं। जो पैसिव होती है उसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, सिंपल ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जो सिंपल होती है ना, जाहिर सी बात है पैसिव का तो आपको पता ही है कि हाई टू लो कंसनट्रेशन सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही होती है डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन जो हमारे पास सिंपल है ना, सिंपल में ये होता है कि हमें किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हाई टू लो कंसनट्रेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। और जो सिंपल से ज़्यादा सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें लिपिड सोल्यूबल आ जाते हैं और अनचार्ज आ जाते हैं। अब आती है फैसिलिटेटेड, जो फैसिलिटेटेड होती है ना उससे जो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस हो रहे होते हैं ना उसमें वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस आ जाते हैं और चार्ज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो फैसिलिटेटेड से होते हैं। और फैसिलिटेटेड में सिर्फ उसी प्रोटीन्स एक्स्ट्रा, मतलब सिंपल में हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, फैसिलिटेटेड में हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है जिसमें चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स आ जाती हैं। इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होती है, ये वाली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती हाई टू लो कंसनट्रेशन ही है। देन फिर वो कहते हैं हमारे पास आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हाई टू लो कंसनट्रेशन नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये लो टू हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स किसमें भी ज़रूरत है, लेकिन इसमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है हमें, और सोडियम पम्प्स जो हैं वो उनमें होती है ये वाली ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होती है? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें ना हमें जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होता है, सेल के अंदर ट्रैवल करता है और सेल से लीव करता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सेल से उसने लीव करना है तो सेल के अंदर किसी भी फॉर्म में अगर ट्रांसपोर्ट होगी ना वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में, तो वेसिकल की फॉर्म में होगी सब्सटेंस की। वेसिकल्स क्या होते हैं? दरअसल वेसिकल्स मेम्ब्रेन मॉडल्स वेसिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बनते हैं बड, मतलब कैसे बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। देखें ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मैंने शो किया है, ठीक है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन से आके हमारे पास एक भी सब्सटेंस है वो आके अटैच हो गया, मिसाल के तौर पर इस तरह का ये सी मैंने ऐसे लिख दिया, ये सब्सटेंस है, ठीक है, आगे अटैच हो गया, ये यहाँ पे आगे अटैच हो गया। अब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन की ना अंदर की साइड पे एक डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, अंदर की साइड पे इमेजिनेशन प्रोड्यूस होगी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। और ये जो सी सब्सटेंस है ना ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ गया, अब क्या होगा, ये जो इमेजिनेशन अंदर की साइड पे खुल जाएगी, आउटपोचिंग हो जाएगी इसकी, अंदर की साइड पे ये आ गया, ठीक है, ये वेसिकल बन गया, ठीक है। अब ये जो वेसिकल है ना ये सेल की किसी भी ऑर्गेनेल, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल मैंने यहाँ पे बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, अब ये वेसिकल इसके सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये सरफेस पे जाके अटैच हो गया। और अब इस वेसिकल की, अब ये वेसिकल सरफेस पे जाके पहले अटैच हुआ था, अब ये अंदर की साइड पे इसकी इमेजिनेशन हुई और ये सेल ऑर्गेनेल के अंदर ही चला गया, ठीक है ना, ये सेल ऑर्गेनेल के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये यानी वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर आया, सेल के अंदर ट्रैवल किया वेसिकल की फॉर्म में, ये सेल के अंदर ट्रैवल भी वेसिकल की फॉर्म में कर रहा है और ऑर्गेनेल के अंदर भी वेसिकल की फॉर्म में ही किया है, तो इसे हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि पिनोसाइटोसिस क्या होती है, पिनोसाइटोसिस में ये जो सब्सटेंस ही होगा ये कोई भी लिक्विड होगा, लेकिन फेगोसाइटोसिस में ये सब्सटेंस है कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड हो सकता है कोई भी डर्टी पार्टिकल हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया से अगर ये वेसिकल बनेगा तो उसे फेगोसोम कहेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी वेसिकल बनता है और आउट पोचिंग से सेल के अंदर आ जाता है, ज़्यादातर ये हमारे पास एंडोसोम्स होते हैं, हमारे पास सेल के अंदर एंडोसोम्स होते हैं जो लाइसोसोम्स की तरह ही होते हैं, उनके साथ फ्यूज करके ये मेच्योर एंडोसोम्स को लेट एंडोसोम में कन्वर्ट कर देता है। ये फेनोमेना मैं आगे जाके टॉपिक में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द दिस फेनोमेना, ये जो भी ट्रांसपोर्ट ये है ये एंडोसोम्स के साथ फ्यूज करके लेट एंडोसोम बना देगा। उसके बाद रिसेप्टर मेडिएटेड है, रिसेप्टर मेडिएटेड में बताती हूँ उसमें क्या होता है, एक उसमें भी बिल्कुल ऐसी एक सेल मैंने बना दिया आपको, सेल की सेल मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर मौजूद है, कोई भी माइक्रो मॉलिक्यूल, ये मिसाल के तौर पर ये माइक्रो मॉलिक्यूल वी शेप या के अटैच हो गया इससे, जब ये अटैच हुआ ना तो अंदर की साइड पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं रिसेप्टर के, जिसे हम कहते हैं क्लैथरीन प्रोटीन्स। अभी क्लैथरीन प्रोटीन्स ना क्या करेंगी, जब ये रिसेप्टर से आके ये वाला माइक्रो, ये इसको मैं क्या है माइक्रो मॉलिक्यूल है, जब ये कोई माइक्रो मॉलिक्यूल रिसेप्टर से आके अटैच हो जाएगा तो ये इन क्लैथरीन प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये सेल मेम्ब्रेन पर पुल करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की साइड पे पुल करने से एक इमेजिनेशन प्रोड्यूस हो जाएगी जिसके अंदर ये जो सब्सटेंस माइक्रो मॉलिक्यूल ना ये अंदर आ जाएगा और उसकी वजह से ये भी सब्सटेंस वेसिकल की फॉर्म में अंदर आ गया। इसी तरह से फिर आगे जाके भी वेसिकल की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर जाना कुछ ऑर्गेनेल के अंदर चला जाएगा, वरना एंडोसोम के साथ फ्यूज करके ये लेट एंडोसोम बना देगा। उसके बाद क्या होगा, अब तो मैंने रिसेप्टर मेडिएटेड बता दी, यानी रिसेप्टर के साथ अटैच होकर ये हुई है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारे पास आते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, सारा यही फेनोमेना है लेकिन बैक्टीरिया होता है, ये वी शेप सी शेप की जगह कोई भी बैक्टीरिया ज्यूम कर लें, बैक्टीरिया से जो वेसिकल बनेगा उसे हम फेगोसोम कहते हैं। जब फेगोसोम लाइसोसोम के साथ, मतलब फेगोसोम सेल के अंदर यानी बैक्टीरिया कंटेनिंग वेसिकल जब सेल के अंदर किसी भी लाइसोसोम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास जो बनता है उसे हम कहते हैं फेगोलाइसोम
सोम, ठीक है, फेगोलाइसोसोम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस में इसको उलट कर लें, उलट कैसे कर लें, ऑर्गेनेल ही है, इससे हमने कोई भी, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस बन गया है, ठीक है ना। अब इस ऑर्गेनेल से सब्सटेंस को निकालना है, तो पहले से यहाँ पे आउटपोचिंग हुई होगी, फिर ये वेजिकल बन गया, अब ये वेजिकल सेल की सरफेस पे जाके अटैच हो गया इस तरह से। अब इसका क्या हुआ, सेल की बाहर की साइड पे आउटपोचिंग होगी इस वेजिकल की, और ये साइड सेल की बाहर की साइड पे निकल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसको बताती हूँ मैं। ये सेल सरफेस रिसेप्टर दरअसल प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स किस तरह से होती हैं, आयन चैनलिंग रिसेप्टर्स का मतलब है सेल की, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो आयन चैनलिंग होंगी, यानी उनके साथ जब आयन आके अटैच होगा ना, तो वो क्या, कोई भी आयन या फिर लिगेंड आके अटैच होगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये अपना गेट ओपन कर देंगे। दरअसल गेट की फॉर्म में होंगे प्रोटीन ना, इनको अपने गेट ओपन करने के लिए किसी भी आयन या लिगेंड के अटैचमेंट की जरूरत होगी। जब वो लिगेंड आके बाइंड होगा तो ये गेट खुल जाएगा, ठीक है, और लिगेंड जो है जब डिसोसिएट हो जाएगा रिसेप्टर से यानी प्रोटीन से, तो ये गेट जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम लिंक रिसेप्टर बिल्कुल वैसी है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम लिंक का मतलब है यहाँ पे कोई लिगेंड की जगह कोई एंजाइम आके अटैच होगा तो ये खुलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एंजाइम मतलब कोई सॉरी एंजाइम आके नहीं अटैच होगा, एंजाइम लिंक का मतलब ये है कि जब भी कोई लिगेंड आके अटैच होगा ना, तो अंदर की साइड पे एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो जाएगी लिगेंड के अटैचमेंट से। इन एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स वो होते हैं जिनके आउटर सर्फेसेस जो हैं वो लिगेंड्स के लिए रिसेप्टर के तौर पे काम करती है, और जब भी लिगेंड आके एंजाइम लिंक रिसेप्टर से जुड़ता है तो अंदर इंट्रा सेलुलर रीजन जो होता है ना इस प्रोटीन का, वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से सेल के अंदर एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये रिसेप्टर है, इसके साथ लिगेंड आके बाइंड हुआ और इसने क्या किया, इसने अंदर की साइड पर कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस कर दिए जिस एंजाइम्स की वजह से सेल के अंदर एक्शन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमारे पास जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स होती हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके अंदर की साइड पे जी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मिसाल के तौर पर ये रिसेप्टर इनके अंदर की साइड पे जी प्रोटीन प्रेजेंट है, जब भी कोई लिगेंड आके बाइंड होगा इन रिसेप्टर से, तो ये जी प्रोटीन में क्या होगा, ये जीटीपी है, ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और मजीद भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं सेल के अंदर। यानी ये जी प्रोटीन क्यों कहा गया, क्योंकि इस रिसेप्टर के अंदर साइड पे जी प्रोटीन प्रेजेंट है। इस एंजाइम लिंक क्यों कहा गया था, क्योंकि रिसेप्टर के अंदर साइड पे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर अटैचमेंट टू द लिगेंड। और आयन चैनल लिंक क्यों कहा गया था, क्योंकि इसमें ये होता है कि हमें लिगेंड की बाइंडिंग की चाहिए होती है, लिगेंड की बाइंडिंग से ही गेट जो है वो खुलता है, इसलिए हम आयन चैनल लिंक कह देते हैं उसको। लिगेंड कोई आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि इसमें हमने एंजाइम लिंक इसलिए कहा क्योंकि अंदर की साइड पर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हमने जी प्रोटीन लिंक इसलिए कहा क्योंकि जीटीपी में कन्वर्ट होती है, जो कि रिसेप्टर के साथ अटैच होती है जी प्रोटीन। अब वो कहते हैं जी ट्राइमेरिक का वर्ड इसमें इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जो हमारे पास जी प्रोटीन होती है ना, इसके फर्दर 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा, इसलिए इसे ट्राइमेरिक कहा गया है। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब ये मतलब ये इस तरह से ये स्पैन करी होती है लिपिड बैरियर को। अब नेक्स्ट ना फर्दर वीडियोज में मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स की स्टार्ट करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करेंगे, पहले न्यूक्लियस पढ़ेंगे फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को साथ पढ़ेंगे। दरअसल हम पढ़ रहे हैं ये फिजियोलॉजी की बुक से, फिजियोलॉजी की बुक में इतनी डिटेल नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था हिस्ट्रो की बुक में हम ये पढ़ते हैं, हिस्ट्रो की बुक से हम ज़्यादा डिटेल से लिखी हुई है, इसलिए हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इसको।